तो गाइस देखो, मैंने आपको बता रही हूँ कि इसमें तड़का कैसे देते हैं। जैसे कि होटल जैसी पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने पहले से ही लंबी लंबी शिमला मिर्च काट लिया है, फिर प्याज को भी काट लिया है, फिर टमाटर भी है, और ये आप देख सकते हो ये सूखी मिर्ची भी 2-3 टुकड़े डालने हैं, और ये आप देखो लहसुन भी है, आखिर लहसुन डाले, और मिर्च आती है वो 2-3 इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सूखी मिर्ची का ज़्यादा उपयोग होता है। तो मैंने थोड़ा सा तेल रखा था, उसके बाद में मैंने ये फ्राई किया है, और फ्राई करके उसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद उसको बनाएंगे ग्रेवी। तड़के के समय में मैंने डाला था उसके अंदर लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च आती है उसका तड़का लगाया है, और गरम मसाले का इस्तेमाल बाद में होने वाला है। तो गाइस देख सकते हो, देखने में बहुत सुंदर और खाने में भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे सपोर्ट दें और मुझे फॉलो करें, और आपको क्या पसंद है वो कमेंट में मुझे बताएं। तो गाइस आप देख सकते हो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, और दिखने में भी अच्छी है, और खाने में भी बहुत सारी टेस्टी है, और आप भी ज़रूर ट्राई करें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे, और लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मुझे आप बताएं कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है, तो मैं आपको बता के दिखाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, मुझे सपोर्ट करें और मुझे बहुत सारा प्यार दें। तो गाइस आप देख सकते हो, मैंने उसको पीस के फिर तड़का लगाया, और कलर भी बहुत सुंदर आया, खाने में भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसमें ज़्यादा गर्म मसाला ऐड ना करें तो भी चलता है। आप देख सकते हो ग्रेवी को अच्छे से पकानी है, और फिर हम डालेंगे उसके अंदर आलू मटर दोनों मिक्स किए हुए, आप देख सकते हो, फिर लास्ट में डालेंगे पनीर, जो कि पनीर को अभी तल के हो गया, तो उसके बाद में डालना है ठंडे पानी में, जो सॉफ्ट रहेगा, खाने में ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा।